को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। आजसू ने सोमवार 22 जून को अपना संकल्प दिवस मनाया। इस अवसर पर सिल्ली के विधायक सह आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने राजधानी रांची के हरमू स्थित पार्टी मुख्यालय में संकल्प सभा को ऑनलाइन संबोधित किया। चूंकि कोरोना काल का दौर है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, इसको देखते हुए एहतियात बरते गए और काफी कम लोगों के मौजूदगी में संकल्प दिवस मनाया गया। सभा संबोधित करने से पहले झारखंड के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, आइए सुनते हैं। इस 22 जून के महत्व को और 22 जून को संकल्प दिवस के रूप में इस घोषणा के तात्पर्य को अपने शब्दों के आधार पर आप तक पहुंचने का, पार्टी के विचार को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। मैं सर्वप्रथम झारखंड आंदोलन के पूरे क्रम में झारखंड की कल्पनाओं पर शहादत देने वाले सभी वीर सपूतों का हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने समय समय पर इस कल्पना को अपने योगदान के माध्यम से बल देने का प्रयास किया है। आज मैं इसी मंच को आधार बनाकर देश के उन वीर सपूतों को भी संगठन की ओर से और अपने ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लद्दाख की गलवान घाटी में जो वीर सपूत शहीद हुए हैं और लगातार कश्मीर आसपास की घाटियों में जो देश की सुरक्षा, इस माटी की सुरक्षा को लेकर शहीद हो रहे, उनके प्रति भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज इस दिन के महत्व को कुछ शब्दों में केवल आप तक पहुंचाना चाहेंगे। भारत के मानचित्र में, भारत के लोकतंत्र में ये फर्क पैदा करने वाला यह दिन है, अंतर पैदा करने वाला यह दिन है, जब संयुक्त बिहार के इस झारखंड प्रदेश में नौजवानों ने झारखंड की भावी कल्पना को मूल स्वरूप में स्थापित करने के लिए एक जोखिम भरा आंदोलन को सहज से नेतृत्व देने का संकल्प लिया था और इसका परिणाम मैंने कहा कि भारत के मानचित्र में और भारत के लोकतंत्र और पूरी व्यवस्था में फर्क पैदा किया। इस संघर्ष ने संयुक्त बिहार के इस भूभाग को एक नए प्रदेश के रूप में सृजित करने में अपनी भूमिका अदा की। वहीं राज्य गठन के साथ साथ भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नए नाम, एक नई संस्था का जन्म दिया। आज उसी प्रदेश में फिर से खड़ा होकर न केवल उन यादों को ताजा करने का वक्त है बल्कि बैठकर चिंतन करने का समय है कि शहीदों की चिता के चिंतन को क्या आज हम उसूल में बदल पाए हैं कि नहीं बदल पाए। अगर नहीं बदल पाए हैं तो यही आज के दिन का संकल्प है। ये सपना अधूरा है, लड़ाई अधूरा है, शबर शेष है,
आज निश्चित रूप से विश्वव्यापी संक्रमण के दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, तो इसको केवल संक्रमण कारण नहीं मानेंगे, इसको एक चेतावनी भी हम मानते हैं। और इस चेतावनी से पूरे व्यापक रूप से भारत और विश्व के सामने, हमारे प्रदेश के सामने कई तरह के विषय को खड़ा किया है कि आज के समय में निश्चित रूप से हमारे जीने का अंदाज बदला है। हमारे लाखों प्रवासी भाई जो आजीविका के लिए विभिन्न प्रदेशों में, देशों में जाकर रोजी रोटी के लिए, अपने जीवन अर्जन के लिए, उपार्जन के लिए जो लोग वहां जाकर सेवा देते थे, बड़े तादाद में उनकी घर वापसी हुई। हम इस प्रदेश के परिधि के अंदर चिंतन प्रारंभ करें और देश के सामने रखें, इस पूरे भारत के लोकतंत्र में नेतृत्व करने वाले राजनीतिक दल और राजनेताओं के लिए यह चुनौती का समय कि हमें 70 साल के उस आजादी के बाद अपने और अपने पूर्व के राजनेताओं के नेतृत्व को और प्रक्रियावश चलने वाले पूरे विधान और पूरे सिस्टम को फिर से एक बार खोल के देखना पड़ेगा, क्योंकि 130 करोड़ की पूरी आबादी का नियंत्रण निर्णय, उनका भविष्य का निर्णय भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेतृत्व के माध्यम से संभव होता है। इसके प्रदेश बाद अलग अलग प्रदेश का नेतृत्व भी अलग अलग राजनेताओं के हाथों में होता है, लेकिन इस संक्रमण जिसको मैंने चेतावनी कहा, आप देखो कि करोड़ों तादाद में काम करने वाले रोजगार के लिए या फिर संस्थागत रूप से सारी संस्थाओं का एक बार लॉकडाउन हो जाना हमारे पूरे वित्तीय ढांचों को हिलाकर रख दिया है। देश की एक बड़ी आबादी के लिए, आजीविका के लिए, उनके भोजन के लिए मात्र 2 काल के भोजन के लिए सरकार को अपनी योजनाओं को एक वर्ष तक रोकना पड़ रहा। हमारी राज्य सरकार ने न केवल भविष्य की योजनाओं को रोका है बल्कि पूर्व काल के निर्णयों को भी रोकने का काम किया है। ये किसी के लिए आरोप नहीं बल्कि एक चिंता का समय है कि हमारे वित्तीय ढांचा को फिर से देखने की जरूरत है कि ऐसे अवस्था में हम अपने देश को 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करते हुए देखे हैं और 2 जून के राशन की व्यवस्था के लिए देश और राज्य को सोचना पड़ा है, तो फिर हमको पूर्व अवस्था में जाना पड़ेगा कि आज के दिन में हुआ क्या। विश्व की गति के साथ चलने का निर्णय तो हमने लिया, विश्व की स्पर्धाओं में तो हमने भाग लिया, लेकिन स्पर्धाओं में भाग लेने से हमारे जमा पूंजी पे जो फर्क पड़ा है उसको मूल्यांकन करना होगा। हमने स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए निजी कंपनियों को बल दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम लोग ने बल दिया, सरकारी संस्थाओं पर विश्वास घटा है और सरकारी संस्थाओं पर विश्वास घटने का फर्क यह हुआ कि पूरे देश भर में आप देखेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, निजी कंपनियों के हाथ में आज देश से ज्यादा संपत्ति हो गया है। देश की मूल जमा पूंजी देश के 20 घरानों तक सीमित हो गई है, 10 घरानों तक सीमित हो गया, और अंततः देश को और राज्यों को इस अकाल परिस्थिति से इससे निपटने के लिए सहयोग मांगना पड़ा।
आपके द्वारा निर्मित कंपनी, आपके सहयोग से तैयार कंपनी के आगे हाथ फैलाना पड़ा कि आप सहयोग दो, चूंकि देश में संकट आया है, राज्य में संकट आया है। मैं इन बिंदुओं को केवल समझने के लिए कह रहा हूं कि हमें किस और किस रूप से आगे बढ़ना है, इस पर फिर से चिंता करने की जरूरत है। और इसी चिंता का मूल आधार आपको बनाना पड़ेगा कि नए सिरे से अपने विकास की अवधारणा और विकास की गति में राज्य और केंद्र कोष को कैसे हम बेहतर और सुरक्षित कर पाए, ऐसे अपार स्थिति, मैंने कहा भविष्य में ऐसी चुनौतियां और आ सकती है, उन चुनौतियों का सामना हम कैसे बेहतर रूप से कर सकते हैं, उसके लिए आज से, क्योंकि ये काल ने हमें सहज किया, जगाया, सोचने पर बाध्य किया है और सोचना पड़ेगा पूरे भारत को, भारत के पॉलिटिकल एक्टिविटीज को नेतृत्व देने वाले लोगों को, इस प्रदेश को सोचना पड़ेगा। परेशानी कहां है वर्तमान समय में, बातें राजनीति, राजनीति के विषय अभी भी लगातार वैसे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अब नए सिरे से राजनीति में सोचने और समझने की आवश्यकता है। मैं अपने प्रदेश के अंदर मैं दो तीन विषय मैं कहना आवश्यक समझता हूं, चूंकि अभी सबसे बड़ा चुनौती राज्य सरकार के सामने, देश के सामने, कि भाई लोगों को रोजगार कैसे दे सके, क्योंकि जो लोग इस राज्य के अंदर चिंता कर रहे हैं उनमें यह है कि भाई जो लोग बाहर से आए उनके लिए हम रोजगार तैयार करेंगे, उनको रोजगार हम देंगे। रोजगार के माध्यम क्या होंगे, रोजगार क्या होगा, ये डिफाइन नहीं है, हमें इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि कई वर्षों से कई योजनाएं इस रूप से चल रही है और अभी भी योजनाएं जो आएंगी वो इस रूप से चलेगी जो मैं समझ रहा हूं, जो कल्पनाएं चल रही है। हम करोड़ों रुपया योजनाओं पर खर्च करते हैं, क्योंकि ऐसे समय में प्राथमिकता हम देते हैं कि रोजगार देना है। मैं ये समझता हूं कि रोजगार के साथ साथ, क्योंकि मनरेगा एक बड़ा स्कीम, मनरेगा हमारे यहां काम करता है, स्कीम को नाम लेके कर रहा हूं, स्कीम का मूल तो उद्देश्य होता है, स्कीम के नाम बदल सकते हैं, थोड़ा योजनाएं बदल सकती है, कभी ये दोहा के रूप में आ सकता है, कभी ट्रेंच कट के रूप में आ सकता है, अलग अलग स्वरूप में आ रहा है, लेकिन इसमें एक बात पर बल देना है कि हम रोजगार को आधार बना रहे हैं। वित्तीय व्यवस्था में नीचे के आम लोगों के बीच में पैसा पहुंचे इसका आधार हम बना रहे हैं, लेकिन उसी बीच में देखिए कि उनके हाथ तक जाने के लिए 8 घंटा का श्रम तय करते हैं हम, कि 8 घंटा का श्रम आपका तय होता है, 8 घंटा आप मेहनत करते हैं, इस मेहनत को आधारभूत ढांचा में हम बदल नहीं पाए। गैप हम कहते हैं कि आप 8 घंटा समय दो, 8 घंटा आप काम करो और काम करने पर आपको हम वेतन देंगे, आपके हिस्से में आपका श्रम का दान जाएगा, लेकिन इस श्रम को संपत्ति नहीं बना पा रहे, इस श्रम को यह आकार नहीं ले पा रहा। मैं चाहता हूं कि वहां चिंतन प्रारंभ हो, ये मेरा, मेरी पार्टी का, मेरा मानक, क्योंकि वहां पर अगर आकार और आधार बनाना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से अगर जल स्रोत तैयार करना चाहते हैं तो एक जल स्रोत मानक तैयार होगा। कोई भी काम निर्णय जिसके माध्यम से यह हो सकता है आपको तय करना होगा कि भाई वो श्रम बेकार ना जाए, वो श्रम एक आकार तैयार करें, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जिसका लॉन्ग टर्म भविष्य में जिसका उपयोग बार बार किया जा सके। अगर यही स्वरूप डोबर की जगह तालाब बन जाए, ट्रेंच कट की जगह पर अगर सड़क या नदियों के कटाव को रोका जाए तो यह आधार हो सकता है। हमारे विभाग का चिंतन चल रहा है, कॉपी पेस्ट भी बहुत ज्यादा चलता है, यह आदत बन गई है, मुझे लगता है कि इन आदत से ऊपर उभरना होगा और राजनेताओं का समझना होगा, क्योंकि यह जवाबदेही कहीं ना कहीं उन पर आता है, आपको तय करना होगा कैसे लॉन्ग टर्म में इस व्यवस्था को
राज्य के उपयोग के लिए करोड़ों रुपया खर्च जो हो रहा है, इसका उपयोग भविष्य में हम लोग लगातार कर पाएंगे। इसके कई उदाहरण हैं, कई चीजों के साथ में इसको जोड़ सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ये देख रहा हूं कि जब भी इस तरह का स्थिति आता है तो भार अंततः आम लोगों पर ही आता है, किसान पर आता है, आम मध्यम वर्ग और गरीबी रेखा में बसने वाले परिवार के ऊपर आता है। एक तरफ रियायत के नाम पर चावल का वितरण तो हो जाता है, कुछ राशि का वितरण तो हो जाता है, लेकिन इसके वसूली का माध्यम कभी भी देखो तो एक ही है, वो है टैक्स। अभी लगातार आप 1 जून से लेकर आज तक आप देखो तो पेट्रोल के दाम में लगभग 8 रुपया की बढ़ोतरी हुई है, तेल के दाम करीबन 8 रुपये के आसपास पेट्रोल और डीजल में फर्क पड़ा है। ये बिल्कुल ये सच है कि पैसा आप ही से आना है, सरकार को इससे भी अलग विकल्प पे सोचना चाहिए, इसके विकल्पों पर जाना चाहिए कि टैक्सेस मतलब आधार ना बने, के टैक्स गवर्नमेंट का मूल आधार ना बने, और इसमें किसान पर जिसको हम 1000-2000 का सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, हम तो उन्हीं के डीजल पर उनको भार दे रहे हैं। आज के दिन में मोटरसाइकिल कमोबेश मध्यम वर्ग के लिए और बिलो प्रॉपर्टी लैंड में रहने वाले लोगों के लिए भी आधार बना है, साइकिल का विकल्प हो गया, आजकल मानक हो गया है। सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल का उपयोग मध्यम वर्ग या गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार करते हैं। अब पेट्रोल में सबसे ज्यादा भार बड़ी गाड़ियों से कम उनसे ज्यादा आता है, तो उन्हीं के जेब से पैसा निकालने की तैयारी चल रही है। मैंने कहा कि आज सरकार को इनके विकल्पों पर विचार करना चाहिए कि और सोर्स क्या हो सकते हैं, कैसे हम इनके विकल्प पर जाए, और बड़ा कार्यक्रम सरकार को तैयार करना चाहिए, कार्यक्रम के माध्यम से हम कैसे आगे तक बढ़ सकते हैं। मुझे सरकारी योजनाओं को बंद करना ये कहकर कि अभी संक्रमण का काल चल रहा है, क्योंकि सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं थी तो आधार रोजगार सृजन का, अब वार्षिक योजनाओं को बंद करके रोजगार देने की कल्पना थोड़ी अधूरी लगती है, इस पर भी विचार होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ग्रामीण कुटीर उद्योग पर बल देना चाहिए, मुझे अच्छा लगा शुरुआती दिनों में जब सरकार का गठन हुआ और एक झारखंड विचारधारा की सरकार कहने वाले, मैं तो कभी कभी लगता हूं कि इसको जिंदा रखना होगा अपने निर्णयों पर, केवल विचारधारा एसेट नहीं हो सकता है, झारखंडी विचारधारा एसेट के रूप में नहीं हो सकता है, बल्कि आपके निर्णयों में आपके कार्यों में प्रतिलक्षित होना चाहिए ये विचारधारा। चूंकि इस झारखंड की कल्पना में जब इसकी कल्पना थी चैतन्य महाप्रभु ने इसकी कल्पना की थी, तो इस झारखंडी के बारे में साल में खाने वाले और ताल के पिए पे सोने वाले उनकी कल्पना के ये दो शब्द थे। शुरुआती दिन में मैंने देखा कि राज्य के बड़े नेताओं ने साल पुत्र पर खाने का और उसको साल पुत्र को आधार बनाने का निर्णय आया कि अब से सरकारी सामान और सरकारी कार्यक्रम में साल पुत्र का इस्तेमाल होगा, लेकिन पिछले दिन और आज आप देख लो ये सरकारी किसी कार्यक्रम में ये कंटिन्यू नहीं कर पाया है। तो मैं इसीलिए कहता हूं इस विचारधारा को निर्णय की धारा बनाना जरूरी है, ये आधार होता है। आज भी आप देखेंगे तमिलनाडु में, उदाहरण दे रहा हूं, आप जाते हैं तमिलनाडु तो आपको केले के पत्ते में आपको भोजन परोसा जाता है, बड़े से बड़े समारोह या कहीं पर उन्होंने कल्चर बना दिया, इसको संस्कृति बना दिया, हम उसको संस्कृति बना नहीं पाते। एक दिन का अखबारी कार्यक्रम होता है, लोगों तक सूचना ही जाती है, फिर ये थप पड़ जाता है, ये कंटिन्यू होना चाहिए। आधार है तो ये दिल में दिखना चाहिए, निर्णय में दिखना चाहिए, और पूरे झारखंड की व्यवस्था, झारखंड के मानक, झारखंड के लोगों में इस चीज को आधार बनाया जाए कि जितने भी सरकारी निजी समारोह जो भी होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल हो, ये एक संकल्प और निर्णय के साथ जाना चाहिए। मैं इसी के साथ साथ महुआ
महुआ के बारे में धारणा जो हो जिनकी, लेकिन आजीविका का ये 33% वन भाग का आजीविका का मूल आधार है, बड़ी आबादी का आधार भी यही। उनको लेकर केंद्र सरकार की कई योजनाएं अभी प्रारंभ हुई, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप देखेंगे अभी के समय में हो क्या रहा है, मेरे सभी इस प्रदेश के नौजवानों को इस ओर बड़ा ध्यान देना हो कि देखो अभी की जरूरत क्या बनी। इस संक्रमण काल में दो चीज बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, एक जो हमने लगाया हुआ है, दूसरा हैंडवाश के लिए सैनिटाइजर या फिर घर के लिए सैनिटाइजर, ये बहुत आवश्यक होगी। दो चीजें एकदम अनिवार्य हो गया। आप देखेंगे कि बड़े लोग, बड़े उद्योगपति जिनका मूल तो धंधा कल कोई दूसरा था, किसी दूसरे क्षेत्र में जिनकी महारत थी, वो सभी लोग वक्त के तकाजा के हिसाब से सभी लोग आज के दिन में ये दो धंधे में अपने आप को वो बाजार को पहचान लिए, और बाजार को पहचानते हुए अशुभता को पहचानते हुए अपने मूल्य जो आधार था उनका, उनका धंधा तो उसे छोड़कर ये बाजार के आधार पर अपने आप को बदल लिए। अब हमें भी यहां के तमाम किसान नौजवान से मेरा आग्रह कि आपको भी इस वक्त के हिसाब से, वक्त के आधार पर आपको भी अपनी आजीविका और अपने नित्यदिन की जो सीमित प्रक्रिया है उससे अपने आप को हटाकर वर्तमान और आवश्यकता के आधार पर काम करना पड़ेगा, वो खेती ही क्यों ना हो। मैं धन्यवाद दूंगा, चूंकि हमारे प्रदेश में अधिकतर किसान धान की खेती और एक वक्त की खेती में करते हैं, लेकिन इसी बीच में जहां इस रांची आसपास में खासकर हम लोग लोहरदगा से मांडर होते हुए उस पूरे रोड को हम लोग सब्जी के लिए जानते थे, वो अपने तरीके के खेती करते थे, लेकिन आज के दिन में आधुनिक तकनीक के साथ अगर कहीं पर बदलाव हुआ है तो ये वर्मा जी ने दिया है। इस प्रदेश के अंदर वर्मा जी ने बदलाव दिया है, वर्मा जी के किसानों ने तकनीक से जुड़कर एक बदलाव दिया है। बदलना होगा इस पूरे स्ट्रक्चर को, बदलना होगा खेती की विधि को, बदलना होगा और इसके साथ साथ बाजार भी ढूंढने होंगे। हमें यूज और तैयारी करना है, मैंने कहा कि अलग फ्रंट खोलना है, आर्थिक आधार खोलना है, तो उसके लिए तैयारी भी आपको प्रारंभ करने होंगे। ये कुटीर उद्योग पर बल देना होगा, कुटीर उद्योग के आधार को मार्केट देने की भी तैयारी सरकार को करनी होगी। मैं शिक्षा के संदर्भ में दो चार बातें कहना आवश्यक समझ रहा हूं, क्योंकि चार महीना से बड़ा इस प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था कोरोना काल के कारण अभी चार महीना से बच्चे स्कूल कर नहीं पा रहे, स्कूल जा नहीं पा रहे, प्राइवेट स्कूल में निश्चित रूप से कहीं कहीं पर यह संभव हो रहा है कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई उनके लिए प्रारंभ हुआ है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई से खुद वो छात्र भी संतुष्ट नहीं। तो इस पूरी व्यवस्था में हमारा एक पूरा सिस्टम के अंदर शिक्षा को मैं पूर्व में देखा, अभी भी देख रहा हूं कि भाई एक सिलेबस पूरा करना है, मतलब पूरे क्लास 9, 8, 7, 6 जो भी है तो उनको 1 से लेकर 8, 9 तक तो पास कर देना है, उसके लिए कोई प्रतियोगिता नहीं। उसके लिए कोई दूसरा आधार नहीं बनाया गया, अनिवार्य रूप से उनके स्कूल में, स्कूल के पाठ्यक्रम में जुड़े बगैर उन्हें आगे की क्लास में भेजा जाता है, और इसको पूरे शिक्षा सिस्टम ने अनिवार्य कर दिया है। भाई शिक्षा का मतलब क्या, ये 10th जाएंगे, 12th जाएंगे, ये नियम है हमारे, विषयों का ज्ञान के बगैर हम आगे बढ़ेंगे, ये तो ज्ञान का माध्यम है शिक्षा, इसके बगैर अगर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा नींव तो कमजोर हो गया। अब इस नींव के जोर पर आगे किस प्रतियोगिता परीक्षा में या फिर किस नौकरी में हम किस रूप से आएंगे, इसकी कल्पना करिए, जनरल कल्पना होनी चाहिए। जब ये निर्णय आता है तो उसके लिए उपाय करिए। 4 महीना 6 महीना से पाठ्यक्रम अगर नहीं समाहित हो पाया, बच्चों तक नहीं पहुंच पाया, क्लासेस नहीं हुए, तो उसको पूरा कैसे करेंगे, इसकी तैयारी करनी चाहिए। वो कैसे पूरा हो, ये तो सहज माध्यम है कि आपने उसको उत्तीर्ण कर दिया अगले क्लास के लिए, लेकिन क्या वो क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 किसी भी कक्षा का संपूर्ण
जो उनके लिए किताबी ज्ञान था उनमें समाहित हो पाया, ऐसा नहीं हो पाता है और नहीं हो रहा है। और हम इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा, इस कोर्स को कंप्लीट करने का कोई ना कोई विकल्प आपको निकालना पड़ेगा। मैं स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य चूंकि ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जितने भी मैं अधिकतर देख रहा हूं कि उनके लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के सुविधाएं किए हैं कि भाई आपके लिए गोल्डन कार्ड कार्ड की व्यवस्था की है, ताकि आप अगर आप बीमार होते हैं तो आप जाके सुलभ इलाज करा पाएंगे। ये लगातार चल रहा है, ये चलती है समय समय पर, भारत सरकार राज्य सरकार के अंदर कई तरह की योजनाएं चलती है। सिस्टम के कारण आम लोगों के लिए योजना सहज नहीं हो पाता है, पहले इनको योजनाओं को सहज किया जाए ताकि लोग सीधे तौर पर अस्पतालों का लाभ ले सके, कार्ड का उपयोग कर सके, और उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए, मूल्यांकन भी आप करिए। लेकिन ये ध्यान रहे, हम लोग ये सभी लोग मानते हैं कि सबका बीमारी का मूल तो जो है पानी और भोजन है, ये यहीं से प्रारंभ होता है। तो शुद्ध जल लोगों को मिले इसकी इसको सुनिश्चित करना चाहिए। हम आज तक स्कूल में शुद्ध जल नहीं दे पाए, शौचालय के जल के बारे हम लोग चर्चा करते हैं, स्कूल में खाना बनाना रसोइयों के यहाँ पर शुद्ध पानी नहीं पहुंच पाता है, जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ते हैं मध्यम भोजन कार्यक्रम चल रहा है लेकिन कहीं पर भी अच्छा पानी उनके लिए उपलब्ध है ऐसा नहीं, शौचालय के पानी है इसका उपलब्ध नहीं, पीने के लिए अच्छा पानी है इसका उपलब्ध नहीं। तो इस पर केंद्रित होना पड़ेगा कि भविष्य में हम बीमारी के ग्रस्त ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, इसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। जो दिवस कल हम लोग ने मनाया, निरोग रहने का संकल्प लिया, लेकिन निरोग का पहला आधार तो पानी और भोजन है, पौष्टिक आहार हमको जाना चाहिए। अभी हॉस्पिटल में जो अभी संक्रमण से लड़ने का कोई दवा तो आया नहीं, लेकिन लोग बीमार हो रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, जान रहे हैं कि हम बीमार हो गए, हॉस्पिटल जा रहे हैं, और प्रतिरोधक क्षमता को, शरीर की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर, यही तो हो रहा है हॉस्पिटल में, और लोग उस क्षमता को बढ़ा के फिर वापस आ रहे हैं, निरोग होकर मुक्ति, उस रोग से मुक्ति पाकर वापस आ रहे हैं। हमें यह तैयारी करनी है कि क्षमता हर शरीर में रहे, ये तैयारी भविष्य के लिए करना है ताकि लोग निरोग रह पाए। पहला तो बीमारी ना आए, और बीमारी आए तो उसे मुकाबला करने की क्षमता शरीर में हो, इस आधार की मैं करनी चाहिए, इस आधार पर रणनीति स्वास्थ्य विभाग को बनाना चाहिए, कल्पनाओं पर हम सभी लोगों को बल देना चाहिए। मैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन में, चूंकि आज का दिन और पूरा फोकस इसी आधार पर है, मैंने कुछ गुणात्मक बदलाव की और पहल किया है। मैं ये देख रहा हूं कि इस प्रदेश के अंदर ये जवाबदेही न केवल राजनेताओं का, मैं प्रदेश के सभी नौजवानों से मैं आग्रह करता हूं, ये लड़ाई केवल किसी पद पे आकर, केवल मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक केवल ये लड़ाई नहीं, एक नौजवान के रूप में भी अपने दायित्व को और झारखंड के अंदर झारखंड की विचारधारा को हमेशा जिंदा रखकर अपनी पहल और अपने कर्म में ये विषय हमेशा झलके, यही संकल्प लेने का आज का दिन है। आइए, ये बदले हुए परिस्थिति में, बदले हुए परिवेश में हर क्षण एक नया मौका देता है, एक अवसर होता है, इस वर्तमान अवसर को हम अपने प्रदेश के हित में कैसे समर्पित कर पाए, यही पॉलिटिकल कार्यक्रम होना चाहिए, यही संकल्प होना चाहिए, यही राजनीति होना चाहिए। मैं हमेशा आरोप प्रत्यारोप के दौर से विकल्पों पर ज्यादा जोर देता हूँ, ये मेरे अपनी राजनीतिक परिपाटी का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। मैं प्रदेश के लिए, मेरा इस प्रदेश में न केवल मैं पार्टी का बल्कि प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, तो प्रदेश के विषयों के साथ, देश के विषयों के साथ अपने को और के रखना, और उसके साथ राजनेताओं को नए विकल्प की ओर जाना, नई सोच की ओर जाना, और विश्व में अपनी जो पूरी व्यवस्था है उसमें कैसे अपने आप को उभार के सामने ला पाए, इसकी तैयारी हम सभी लोगों को मिलकर करनी चाहिए। आइए, इस सूचना के तंत्र के माध्यम से आज संकल्प दिवस में मैं से लेकर इस प्रदेश के सभी संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी से लेकर आवाम तक, क्योंकि मैंने इसको केवल कार्यकर्ताओं तक आज के कार्यक्रम को सीमित नहीं रखा, जो मेरा वॉइस है, जो मेरी बातें हैं, वो केवल मेरे पार्टी के पदाधिकारियों के लिए नहीं, मेरी यह सोच के रूप में आम जनता के डोमेन में ये मेरा विषय है, इस विषय के साथ हम सभी लोगों को आगे जाना है। पद पर आना, सरकारों का बनना चलेगा, आता जाता रहेगा, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पद में रहकर अपने दायित्व का या इस प्रदेश को इस पद पर आगे बढ़ाएं, किस ओर ले गए,
इसका चिंतन हमेशा मूल्यांकन होते रहेगा। उस 22 जून की इस घटना का मूल्यांकन आज 34 वर्ष के बाद भी हम इस रूप से कर रहे हैं, उसी तरह वर्तमान का भी मूल्यांकन भविष्य में किया जाएगा। इस आधार पर हम सभी लोगों को काम करना है। आइए इस नए परिवेश में खुद को सुरक्षित रखें, इस राज्य और देश को सुरक्षित रखने का प्रण लेते हुए अपनी बात को शेष करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।